एवरीवन, वेलकम टू जादोन इंडियन किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ टू फ्लेवर में बनाना मिल्क शेक रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे या बड़े दोनों के लिए ही ये हेल्दी प्रोटीन शेक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। चलिए दोस्तों, हेल्दी प्रोटीन मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट मिल्क शेक बना करके तैयार करेंगे। चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो केले लिए हैं और ये कोको पाउडर लिया है और एक ग्लास हमने ये ठंडा दूध लिया है। अब हम एक ब्लेंडिंग जार में केलों को छीलकर इस तरह से पीसेस में काट कर डाल लेंगे। मैंने दोनों केलों को पीसेस में काट कर जार में डाल लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच कोको पाउडर ऐड करूंगी। मैंने यहाँ कोको पाउडर लिया है। आप यहाँ चॉकलेट भी ले सकते हैं, डेरी मिल्क, या फिर आप जो भी आपके बच्चे को चॉकलेट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और एक चम्मच के करीब मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। हनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हम इसमें एक ग्लास ठंडा दूध डालकर इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा चॉकलेट मिल्क शेक बन कर के रेडी है। थोड़ा सा हम कोको पाउडर से इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं और एक बनाना की स्लाइस लगा देते हैं। यह बच्चों का मोस्ट फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन कर के तैयार हुआ है। अब हम दूसरा प्रोटीन मिल्क शेक बनाएंगे। उसी ब्लेंडिंग जार में मैं दो बनाना के पीसेस को काट कर डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें दो चम्मच ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने पाउडर पहले से ही बना कर के तैयार कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका ड्राई फ्रूट्स पाउडर हमें किस तरह से बनाना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मैं आई बटन पर लगा दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच हनी ऐड करेंगे। मैं किसी में भी शुगर का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं हनी डाल रही हूँ। केले अपने आप में भी मीठे होते हैं, ऊपर से मैंने एक चम्मच हनी डाला है। साथ ही हमें इसमें एक ग्लास ठंडा दूध डालकर इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। और देखिए, ये लीजिए, हमारा हेल्दी ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक बनकर के रेडी है। यहाँ मैंने इसे छोटे से चॉप्ड बादाम लिए हैं, इनसे मैं गार्निशिंग कर देती हूँ। हमारे दोनों फ्लेवर के बनाना प्रोटीन मिल्क शेक बनकर के रेडी हैं। आप भी इस तरह से बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। कैसा लगा गाइस आपको आज का हमारा वीडियो? अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।